गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और इसमें चैप्टर 2 में आगे बात करते हैं तो कि भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो उसमें क्या आता है तो कि वी नो द ईच डिश इक्वली मेड अप मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स चीज़ क्या होती कि इंग्रेडिएंट्स ऐसी चीज़ होते कि जो हमारे खाने में ऐड होती है। दाल बनाओ तो दाल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, गेहूँ और जो पानी होता है वो, फिर आप उसको गूंदने के लिए तेल वगैरह डालते हो, वो सारी चीज़ें। करी बनाओ तो करी में मूंग की दाल डालते हो, चने की दाल का यूज़ करते हो, जो भी दाल वगैरह डालते हो, दाल है, तेल है, स्पाइसीस है, नमक है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आपकी खाने की चीज़ को एकदम डिलीशियस बनाते हैं कि जिसके आपकी जो चीज़ है खाने की उसका टेस्ट और बढ़ जाए। ओके, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट फॉर एनिमल्स, और वो हमें प्लांट से भी मिल सकती है और एनिमल से भी मिल सकती है, जैसी आपकी चीज़ खाने की उस हिसाब से मिलती है। अगर आप दाल वगैरह बनाओ तो सारी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो कहाँ से मिल जाते, कोई प्लांट से मिल जाएंगे। और आप फिश करी है, चिकन करी वगैरह बनाओ तो आपको इंग्रेडिएंट्स उसके क्या है, तो फिक्स जो चिकन करी है उसके इंग्रेडिएंट्स में चिकन आपको चाहिए। ओके, तो कहाँ से मिलता है, एनिमल से, मुर्गी में से जो होता है उससे मिल जाता है। ओके, तो जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो आपको प्लांट से भी मिल जाएंगे और जो एनिमल्स में से भी मिल सकते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट तो कि दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेंट सम कंपोनेंट्स दैट आर नीड आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप इस टेबल में देख सकते हो कि भाई 2.1 में है कि सम कॉमन मील ऑफ अ डिफरेंट रीजन, कि कौन कौन से रीजन और कौन से स्टेट में सारे जो चीज़ है वो यूज़ होती है। तो भाई रीजन स्टेट में फर्स्ट है पंजाब, कि पंजाब में क्या है, तो आइटम जो आइटम ऑफ ग्रीन की कौन सी चीज़ वो खाते, तो कि मक्के की रोटी का यूज़ करते हैं खाने में। ओके, कॉर्न, मक्का मीन्स के कॉर्न जो आपको रोटी वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हो। आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, तो भाई वो लोग राजमा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और उसके साथ ही चिकन बंस। ओके, अब है जो पे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में क्या खाते हैं, तो कि भाई सरसों का साग। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ सरसों जो का है वो साग ही खाते हैं, बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी वो खाते हैं, बट ये कॉमन है कि ये सारी चीज़ ये लोग खाते होंगे। अब अदर, अदर में क्या है कि वो कड़ और घी है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या क्या चीज़ लोग खाना पसंद करते हैं, तो कि भाई राइस खाते हैं सबसे ज़्यादा। फिर आइटम ऑफ दाल और मीट में क्या है, तो भाई तुअर दाल और रसम का यूज़ करते हैं वो लोग, कि जो वो रोटी सब्जी के साथ वो दाल वगैरह बनाते हैं उसमें। ओके, अब है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में क्या है, तो कि भाई वो लोग जो दाल वगैरह खाते हैं वो, फिर अदर में बटर मिल्क है, घी है, पिकल्स मीन्स के अचार का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वो खाने में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है भाई ये जो इंग्रेडिएंट्स कंटेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि इंग्रेडिएंट्स के बिना हमारी बॉडी अच्छी बेटर वर्क नहीं कर सकती। आप गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, तो भाई उस चोट वाले पार्ट को, उस सेल्स को रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन वगैरह है वो सारी चीज़ें खानी होती है। ओके, अब है भाई दीज कॉम्प्लीमेंट्स आर कोल्ड न्यूट्रिशंस, और इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं, कि जो आपको खाने में से मिलता है। देन है द मेजर न्यूट्रिशंस इन अ फूड आर नेम, तो कौन कौन से नेम है उसके, तो देखते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। किस में से मिलती है, तो कि भाई जो हम खाना खाते हैं उसमें से ये सारी चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन और मिनरल। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कि जो आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि फूड में से हमें कौन कौन से मेजर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो कौन से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट
एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है किस में से, तो कि भाई हम जो फूड खाते हैं उसमें से। ओके, अब उसके बारे में आगे बात करते हैं, तो कि भाई इन एडिशन फूड कंटेंट डेयरी फाइबर्स तो वाटर विच ऑल्सो नीड आवर बॉडी, कि जो लोग जो चीज़ हम रोज़ खाते हैं उस हिसाब से जो हमारी बॉडी को क्या अच्छा लगता है वो। अब है भाई तो कि भाई डू ऑल फूड्स कंटेंट दिस द न्यूट्रिशंस, कि जो चीज़ हम खाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसमें से ही हमें न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। विद द सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वाइदर कुकड फूड और रो इंग्रेडिएंट्स कंटेंट ऑन द मोर ऑफ दिस न्यूट्रिशंस, कि हम ऐसा है कि एक पका हुआ फूड ले ले और एक जो उसके रॉ मटेरियल्स है उसमें से हम देखें कि हमें किस में से कितना न्यूट्रिशंस मिलता है। द टेस्ट ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंप्लीमेंट द टेस्ट ऑफ अ न्यूट्रिशंस, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है उसमें से कैसे न्यूट्रिशंस मिलता है उसको हम पहचानते हैं, ऑब्जर्व करना है। लेट अस डू द टेस्ट रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ टेबल 2.2, आप उन सारी ऑब्जर्व को लिखो किस में, तो कि भाई 2.2 के जो टेबल है उसमें। अब है उसके आगे, तो पे फॉर कैरी आउट द टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चैप्टर भाई कस्टर्ड जो सोडा होता है, वी विल ऑल्सो नीड ऑल ऑफ टेस्ट टू ड्रॉप, कि आप एक एक बूंद डाल के उसमें से आपको टेस्ट करना है। ट्राई द टेस्ट आर कुकड फूड आइटम एंड वेल ड्रो मटीरियल्स, आप वो टेस्ट कुक की गई फूड आइटम्स जो आपने खाना बनाए उसके साथ, और दूसरा है कि भाई जो आपने रॉ मटेरियल्स है आपका उसके साथ। ओके, द टेबल 2.2 शो यू विल रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट एंड फूड आर गिवन अ टेबल, आप 2.2 के टेबल में आप देख सकते हो कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। अब उसके साथ है भाई सम फूड नीड आर ग्रो इन टेबल, भाई आपको बहुत सारे फूड्स दिखाए गए हैं टेबल में, यू कैन कॉन्टैक्ट द टेस्ट आइलर टू अदर अवेलेबिलिटी फूड्स आइटम, डू यू टेस्ट केयरफुली, डू नॉट ट्राई इट टेस्ट एंड केमिकल्स, आप वो लोग वो चीज़ें वो आपको ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, टेस्ट कर सकते हो, बट वो चीज़ हमको खानी नहीं है, हमें खाना नहीं है उस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ उसको टेस्ट करना है। ओके, कि क्या उसमें ट्रांजेक्शन होता है वो सारा। इफ़ यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल रिमेड फ्रॉम योर टीचर, प्रिपेयर द गिवन इन द बॉक्स, आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है तो इसका क्या क्या है। ओके, अब है भाई लेट्स बिगिन द डिफरेंट फूड आइटम्स, लेट्स अस की जो भी डिफरेंट फूड आइटम्स है, तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं तो भी कि लेट्स बिगन डिफरेंट टेस्टिंग, फूड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्टीज पाए जाते हैं, तो लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी द इफ कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें फूड में से मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कि जो हमें खाने में से मिलते हैं। There are many types of carbohydrates, हमें बहुत सारी मात्रा में खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स इन अ फाउंड फूड आर इन, कि भाई फूड है सच जो शुगर से, वी कैन ईजिली फूड आइटम्स कॉन्टेंट टू सच, कि हम बहुत ईजिली उन सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन चीज़ों में से मिलते हैं। खाने में न्यूट्रिशंस मिनरल्स प्रोटीन्स फैट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उसकी मदद से हमारी बॉडी है वो रिकवर कर सकते हैं। ये था आपका वी डू डिफरेंट फूड आइटम्स टू कॉन्टेंट के। ओके, थैंक यू।